इससे आपको क्लियर है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी टेंडेंसी होगी कि उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में वो उसी स्पीड में रहे। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन देन इट विल टेंड टू स्टे इन दैट स्टेट। ओके, सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू स्टे और टू रिमेन इन दैट स्टेट, इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, रेस्ट और मोशन। ओके, सो दैट टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। यू कैन सी इट, इनर्शिया, INERTIA. What is inertia? Inertia is natural tendency. Means natural होता है उसके अंदर tendency to stay, to remain in state of rest or in motion. ठीक है? So inertia is natural tendency. To remain in state of rest or motion. Okay, so it is given by first law of motion. It is similar to first law of motion. कि जब तक कोई force apply नहीं करेंगे, वो rest पर या motion में रहेगा. ठीक है. So what are the examples of inertia? Can you think about some examples? कि जहाँ पर कोई object rest पर है, तो उसकी tendency, उसकी कोशिश यह रहेगी कि वो rest पर. ठीक है. जब भी कोई इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर भी उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा अपीयर होगा कि वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है या मोशन में रहना चाहता है. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और अगर उस पर एक फोर्स अप्लाई करें, तो आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्व होगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू रिमेन एट रेस्ट. या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको स्टॉप करें, तो भी कुछ आपको ऐसा नजर आएगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू बी इन मोशन. वट आर दोज एग्जाम्पल्स? आपने फील किया होगा कि कभी भी आप किसी बस या कार में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे ही ब्रेक लगते हैं, इंस्टेंटली ब्रेक लगते हैं, क्या होता है आपकी बॉडी की क्या पोजीशन होती है? ठीक है, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ कार, जब आप कार में बैठे हो तो यू आर मूविंग विद द कार. ठीक है, कार मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हो. आपकी जो लेग्स हैं वो सरफेस पर है कार के. ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी थोड़ी फ्री है, आपकी जो बॉडी है वो कार के एकदम टच में नहीं है, कार के मोशन के एकदम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है. ठीक है, व्हाट विल हैपन? जब भी ब्रेक अप्लाई होते हैं तो आप आगे की तरफ पुश हो जाते हो, आगे की तरफ आप खींच जाते हो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या थी? जब गाड़ी चल रही थी उस टाइम आपकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी थी कि आप भी मोशन में थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए तो योर बॉडी स्टिल टेंड्स टू स्टे इन मोशन. ठीक है, दैट इज व्हाई इट कम्स फॉरवर्ड, कि मैं तो आगे ही चल रहा था तो मुझे आगे ही जाना है. ठीक है, दैट इज व्हाई बॉडी स्लाइटली कम्स फॉरवर्ड. लेकिन गाड़ी रुक गई है तो आपको लास्ट में एवेंचुअली आपको रुकना है, बट इंस्टेंटली ब्रेक अप्लाई होते हैं और इंस्टेंटली आप थोड़ा आगे जाते हैं. ठीक है, सिमिलरली आप कार इज एट रेस्ट एंड व्हीकल इज एट रेस्ट एंड स्टार्ट्स मूविंग. आप बाइक पर बैठे हो और जैसे ही आप इंस्टेंटली बाइक स्टार्ट करते हो, आप पीछे की तरफ जाते हो. ऐसा क्यों होता है? कि आवर बॉडी आप टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट. आपकी बॉडी पीछे थी, रेस्ट पर थी, लेकिन जैसे ही मूव करना स्टार्ट किया तो योर बॉडी टेंड्स टू स्टे इन रेस्ट, दैट इज व्हाई इट कम्स बैक. ठीक है, लेग्स जो है आपकी बाइक के पैडल पर है. ठीक है, तो लेग्स तो आप मूव करेंगे क्योंकि वो बाइक के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो थोड़ा एयर में है. सो दैट इज व्हाई इट कैन फ्रीली मूव. सो इट विल टेंड टू स्टे इन रेस्ट, दैट इज व्हाई इट कम्स बैकवर्ड्स. सो दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी विच इज कॉल्ड इनर्शिया. ओके, सो व्हाट आर द मोर एग्जाम्पल्स? कैन यू थिंक अबाउट मोर एग्जाम्पल्स? Everybody has played कैरम. कैरम में आप जब स्टार्टिंग में कैरम की जो गोटियाँ लगाते हो, एक के ऊपर एक जो स्टैक बनाते हो, ठीक है, और फिर जो आप स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से हिट करते हो. ओके, क्या होगा कि जब भी आप एकदम ज़्यादा फोर्स से इंस्टेंटली आप स्ट्राइकर को मूव करते हो, तो जो सबसे नीचे वाली जो गोटी होती है सिर्फ वो जो है आगे जाती है, और बाकी जो ऊपर की गोटियाँ होती हैं वो नीचे उस वहीं रहती हैं. ठीक है, सो वाई? बिकॉज आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो नीचे वाली गोटी पर किया है, और जो अपर जो कैरम की गोटियाँ हैं, दैट विल स्टे, दैट विल टेंड टू स्टे इन रेस्ट.
सो वो मूव नहीं करेगी अगर आपने फोर्स इंस्टेंटली अप्लाई किया, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। ओके, अनदर एग्जाम्पल, एक आप ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर कुछ कार्डबोर्ड रखिए, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखिए। जब भी आप कार्डबोर्ड को इंस्टेंटली पुश करते हो तो सिर्फ कार्डबोर्ड आगे जाएगा और जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाएगा। कॉइन जो है कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा क्योंकि कॉइन टेंड्स टू स्टे इन रेस्ट। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। ओके, सो दिस इज इनर्शिया। सो ऑन व्हाट फैक्टर्स इनर्शिया में डिपेंड, इनर्शिया ज्यादा कब होगा, कब क्यों, कब होगा, थिंक अबाउट दिस। अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? नेचुरल टेंडेंसी टू स्टे इन दैट स्टेट, रेस्ट और मोशन। सो कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट पर है, आप उसको मूव कर रहे हो तो हैवी ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है एंड ऑल्सो दैट इज ड्राइंग मोर, दैट हैज मोर टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट। सो इट मीन्स दैट वन विच हैज मोर मास हैज मोर इनर्शिया। कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा चौक है, लाइट है, तो इसको आराम से हम मूव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी टेंडेंसी बहुत कम है, बिकॉज इसका मास बहुत कम है। ओके, सो द ऑब्जेक्ट विच हैज लेस मास हैज लेस टेंडेंसी टू स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, सो इट विल इंस्टेंटली मूव। सो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मास, मास इज मोर, इनर्शिया विल ऑल्सो बी मोर। ओके, सो कोई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है स्टेट पर है, अगर आपको इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, विल अप्लाई फोर्स। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। या फिर यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट आपके पास आ रही है, आपको स्ट्राइक करे, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट आपको हिट करे, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ये छोटी सी चीज़ आपको लग जाए उससे कोई फर्क नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ आकर लगे इट विल हैव एन इम्पैक्ट। सिमिलरली कोई कम वेलोसिटी से आपको आकर स्ट्राइक कर रही है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत बड़ा एक छोटा सा कोई आपको चौक है वो लग जाता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कोई ट्रक है वो आकर आपको हिट करे तो दैट विल हैव वेरी ग्रेट इम्पैक्ट। ओके, सो मास पर इम्पैक्ट डिपेंड करता है। इसके साथ ही कोई ऑब्जेक्ट है, छोटी हो बड़ी हो, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इम्पैक्ट जो है, जो इफेक्ट होता है, वो फोर्स, जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मास, इम्पैक्ट जो है इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कोई एक छोटी सी बुलेट होती है, बुलेट का साइज बहुत छोटा होता है, मास बहुत कम होता है, लेकिन वो बहुत वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से आती है, इसीलिए वो दैट किल्स सम। ओके, सो दैट इज़ वाई वेलोसिटी का भी इम्पैक्ट, तो मास एंड वेलोसिटी हैज सम इम्पैक्ट एंड दैट क्वान्टिटी that combines mass and velocity, mass and velocity से जो impact होता है, that quantity, that is not actually impact, we call it momentum, momentum, ये कोई impact या force नहीं है, ये momentum एक अलग quantity है, that combines mass and velocity, मतलब impact of anything is measured by momentum, impact of any object in motion is measured by, depends on इट्स मोमेंटम, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों है इसमें, ठीक है। मोमेंटम कम है तो उसका इम्पैक्ट भी कम होगा। ओके, सो मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इट्स सिंबल इज स्मॉल पी, मोमेंटम स्मॉल पी n the mass multiplied by velocity. What will be its unit? Kilogram. Mass unit is kilogram. Velocity unit is meter per second. So unit of momentum is kilogram meter per second. You have to remember it always. Okay. So now you understand the physical as well as scientific, mathematical all meanings of momentum. Momentum actually होता क्या, इट इज द इम्पैक्ट दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। ओके, इफ एनीथिंग किसी ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल जीरो है, वेलोसिटी बिल्कुल जीरो है, तो मोमेंटम भी जीरो होगा, उसका इफेक्ट भी एकदम जीरो होगा,
दैट इज मोमेंटम. सो दिस इज मोमेंटम एंड हाउ इज फोर्स रिलेटेड टू मोमेंटम. सी मोमेंटम इज मास एंड वेलोसिटी बोथ. ओके सो टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद हाई मास, कोई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. ऑल्सो अगर आपको वेलोसिटी चेंज ज्यादा करनी है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है जीरो वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी आपको इंक्रीज करनी है, तो भी आपको फोर्स अप्लाई करना होगा ज्यादा. ठीक है. मीन्स इफ यू हैव टू चेंज वेलोसिटी देन यू विल अप्लाई अ फोर्स. ओके. मोर चेंज इन वेलोसिटी रिक्वायर्स मोर फोर्स. जितना ज्यादा आपको वेलोसिटी चेंज करनी है उतना ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना होगा. राइट. सिमिलरली यू कैन से अगर कोई हैवी चीज आपको स्ट्राइक करती है तो फोर्स ज्यादा लगता है. ओके. क्यों? क्योंकि दैट इज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास. ऑल्सो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी गन बुलेट का एग्जाम्पल दिया था, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आपको स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी चेंज बहुत ज्यादा होगा, बहुत हाई वैल्यू से जीरो वैल्यू. ठीक है. सो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स हाई चेंज इन मोमेंटम एंड मोर फोर्स. So you can say that force depends on momentum or change in momentum. Right? Force is proportional to, directly proportional to change in momentum. Okay? Because jitna zyada momentum mein change hame chahiye utna zyada hame force lagana padega. Jitna momentum mein change hoga utna uska इम्पैक्ट होगा, फोर्स होगा. यू शुड ऑल्सो सी दैट दिस इज द प्रोडक्ट. कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो होती है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा. अगर कोई वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम जीरो, बिकॉज वेलोसिटी जीरो होगी तो एम मल्टीप्लाइड बाई जीरो, जीरो. ओके. तो जब भी वेलोसिटी जीरो हो जाती है मोमेंटम भी जीरो होगा. तो फोर्स डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम. सो इज देयर एनी अदर क्वांटिटी जिस पर फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम के अलावा? देखिए, जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं और जब कैच लेते हैं, बॉल बाइन कैच अ बॉल, ठीक है, तो बॉल बहुत फास्ट स्पीड से आती है और जब अगर आप अपना हाथ ऐसे रखते हो सीधा तो बहुत ज़ोर से आपके हाथों पर लगती है. ठीक है. और अगर आप हाथ को पीछे लेकर जाते हैं, आप बॉल आ रही है और आप हाथ को पीछे लेकर गए और फिर कैच को पकड़ा, तो जो फोर्स है वो कम लगता है. सो व्हाट डज इट मीन? जब फोर्स अचानक से तुरंत इंस्टेंटली कम टाइम पे लगे, ठीक है, तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा. और जो चेंज इन मोमेंटम है वो ज्यादा टाइम में हो, जब आप हाथ को पीछे लेकर जाए तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, देखिए बॉल आ रही है आपके पास, बॉल हाई स्पीड से आ रही है, जब आपके हाथ में आएगी तो वो जीरो हो जाएगी, स्पीड उसकी जीरो हो जाएगी. तो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है. तो व्हेन चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन लेस टाइम, अपने हाथ को आपने ऐसे ही रखा तो फोर्स ज्यादा, बट इफ चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन मोर टाइम देन फोर्स विल बी, इम्पैक्ट विल बी लेस. सो इट मीन्स दैट फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम. सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, फोर्स अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो इंपैक्ट भी, फोर्स भी ज्यादा होगा. सो नाउ वी कम टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, which simply says this statement that rate of change of momentum is directly proportional to the or proportional to the force applied in the direction of motion. Okay, second law of motion, Newton's second law, which says that rate of change of momentum is rate of change of momentum. Momentum जिस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई.
proportional means depends on, directly depends on force applied in the same direction, in the direction of force. So how will you write this mathematically? Dekhi, momentum is mv, okay, momentum is mv, and change in momentum will be m. M is same always, okay, but velocity changes. So mv2 minus mv1, this is the change in momentum. Jitna change hua hai force apply karne ke baad, jo momentum mein change hua hai wo itna hai, mv2 minus mv. इम्पैक्ट के बाद जो फोर्स है, जो मोमेंटम है, इम्पैक्ट होने के बाद जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो इतना है, एम वी टू माइनस एम वी वन. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो यू विल ऑल्सो राइट टन डिवाइडेड बाई टन. दिस इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस, कुछ भी बोल सकते हो. नाउ इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एम कॉमन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t. नाउ दिस क्वांटिटी v2 माइनस v1 बाय t, यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद दिस, यू हैव स्टडीड दिस बिफोर. दिस इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड व्हाट इज दैट क्वांटिटी? दैट इज एक्सेलरेशन, राइट? v2 माइनस v1 बाय t, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ma. और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. आप इसके ऊपर एक एरो भी लगा सकते हैं. फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, तो फोर्स के ऊपर भी आप एरो लगा सकते हैं. ओके, सो दिस इज एफ इक्वल्स टू, फाइनली दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एफ इक्वल टू एम ए. फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन. फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक, so that example of cricket ball, right? When you catch a ball, what happens when you catch a ball and you increase the time, jab aap time increase kar dete ho haath ko piche le jaakar, to acceleration uska kam ho jata hai. Aur acceleration kam hone se force ki value bhi, impact ki value bhi kam hogi, right? So if somebody asks why a player pushes his hand backwards while catching the ball, this is because the time of impact is increased, so acceleration is decreased, and force is also, impact is also decreased. All right, also there is some other example. Jo athletes hote hain, jab wo jump karte hain, high jump, long jump, kuch bhi, तो उनके जो डेस्टिनेशन, जो जहाँ पर उन्हें गिरना होता है लास्ट में, वहाँ पर कुशंस या मैट्रेस वो लगाते हैं, गद्दे लगाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? थिंक अबाउट दिस. क्योंकि कोई कुशन होता है, वो क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है. जब कंप्रेसिबल होगा, कंप्रेस होगा, तो उसमें भी टाइम इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर वहाँ पर कुशन ना हो, सिर्फ एक फर्श हो, फ्लोर हो, तो इम्पैक्ट अचानक से होगा, तुरंत होगा. लेकिन जो क्वेश्चन है वो प्रेस होगा, कंप्रेस होगा, उसमें टाइम लगेगा. सो टाइम इंक्रीज होता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट इज इंक्रीज्ड, दैट इज व्हाई फोर्स इज डिक्रीज्ड. यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, टाइम इज डिक्रीज्ड, सो टाइम ऑफ इंपैक्ट इज डिक्रीज. क्योंकि जब चेंज वेलोसिटी में कम टाइम में होता है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है. चेंज इन वेलोसिटी तुरंत होगा, तो एक्सेलरेशन उसका ज़्यादा, और चेंज इन वेलोसिटी धीरे धीरे हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कम है. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ओके, सो रेट जो है अगर कम है, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम है, राइट? ओके, सो अगर टाइम कम होगा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा. चेंज इन वेलोसिटी कम टाइम में हो रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा. दैट इज वाई इन केस ऑफ क्वेश्चंस और मैट्रिस, दे कंप्रेस एंड टाइम इज इंक्रीज, acceleration is decreased, and that is why impact is also decreased. तो उनको चोट नहीं लगती है, चोट कम लगती है. There is one another example. आपने कराटे प्लेयर देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी कराटे की, उसमें वो अपने हैंड से किसी भी ब्रिक को, ईंट को तोड़ देते हैं. वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, टाइम ऑफ फोर्स है, वो बहुत कम होता है. वो तुरंत
एक सेकंड में इंस्टेंटेनियसली जो है वेलोसिटी में चेंज होता है, वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम से हाथ को लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, और इंस्टेंटली वो वेलोसिटी ज़ीरो कर लेते हैं इतने इम्पैक्ट के साथ, बहुत कम टाइम में, इवन देन लेस देन वन सेकेंड में वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तुरंत करते हैं इंस्टेंटली. ओके, सो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज़ वेरी लेस, सो दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन इज़ हाई, चेंज इन वेलोसिटी इज़ वेरी, पर यूनिट टाइम इज़ वेरी हाई, रेट ऑफ चेंज इज़ वेरी हाई, बहुत जल्दी जो है चेंज हो रहा है, दैट इज़ वाई फोर्स इम्पैक्ट इज इंक्रीज्ड, वो जिस फोर्स से, फोर्स जो होता है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. तो एक चीज़ समझ लीजिए कि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम टाइम में हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू, इम्पैक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी. हाँ, अगर चेंज इन वेलोसिटी धीरे धीरे हो रहा है, आप हाथ को धीरे धीरे लाएंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा एफ. ठीक है, सो दैट इज हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम और एक्सेलरेशन. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. वाज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यू स्टडीड अबाउट इनर्शिया, व्हेन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे इन रेस्ट और मोशन अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स. That force is this, F equal to ma, mass multiplied by acceleration. This force depends in change in momentum, or finally force applied depends on mass of the object and acceleration acquired by the object. Okay, obviously if there is heavy object, more force need to be applied, of you would want more acceleration, high acceleration means change in velocity in less time, then also you will require more force. Jyada acceleration ke liye aapko zyada force chahiye, theek hai, kam acceleration chahiye aapko, ज़्यादा टाइम में थोड़ी वेलोसिटी चेंज करनी तो कम फोर्स लगाना होगा आपको, दैट इज एफ इक्वल टू एम. नाउ यू कैन सी दैट मोर मास मोर फोर्स, मोर एक्सेलरेशन मोर फोर्स. बट हाउ मास एंड एक्सेलरेशन आर रिलेटेड? कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? लाइट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या हैवी ऑब्जेक्ट का? ठीक है, सेम फोर्स है, अगर वैल्यू की फोर्स की वैल्यू सेम हो, इफ़ वैल्यू ऑफ फोर्स इज कॉन्स्टेंट, आप एक ही फोर्स के साथ एक लाइट ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो और एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, कौन सी जो वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, किस में वेलोसिटी चेंज ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो हल्की हल्की चीज़ है उसमें वेलोसिटी चेंज ज़्यादा होगा, हैवी चीज़ को मे बी यू कैन नॉट मूव, और इवन इफ इट मूव्स इट विल मूव टू वेरी लेस डिस्टेंस. हैवी ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट मूव इजी, एक्सेलरेशन अप्लाई करना इतना आसान नहीं होगा. लाइट ऑब्जेक्ट हो तो इट विल इंस्टेंटली इजिली अंडरगो एक्सेलरेशन. ओके, सो इट मीन्स लेस मास फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स, अगर फोर्स सेम है तो लेस मास का मोर एक्सेलरेशन, मीन्स लाइट ऑब्जेक्ट विल अंडरगो मोर एक्सेलरेशन, एंड मोर मास मीन्स लेस एक्सेलरेशन, हैवी ऑब्जेक्ट विल अंडरगो लेस एक्सेलरेशन. So, M and A are oppositely related, inversely proportional. M and A are inversely, inversely means opposite. So, M padega, to A kam hoga, as you can see. For example, aapne force lagaya 35 newtons. Theek hai? Force ki unit, newton abhi hum find out karenge. Maan lijiye aapne 35 newton force lagaya hai. Ek object ka mass hai 5, dusre object ka mass hai 7. एक आपने 5 kg के ऑब्जेक्ट पर 35 न्यूटन फोर्स लगाया और एक आपने 7 kg के ऑब्जेक्ट पर 35 सेम फोर्स लगाया, किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली हल्के 5 में ज़्यादा होगा, तो कितना होगा? देखिए इसमें 7 होगा, 5 7 सा 35, इसमें 5 ही होगा. ओके, तो 7 इज मोर देन 5, तो लाइट ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी. सो दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. नाउ वी विल फाइंड आउट यूनिट ऑफ फोर्स. वट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? तो इस वेरी इजी, आप इजीली कर सकते हो. मास की यूनिट किलोग्राम होती है. ओके, एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, इसको हमने एक छोटा नाम दे दिया, विच इज कॉल्ड न्यूटन. न्यूटन इसलिए बिकॉज न्यूटन गेव लॉज ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन. एक बार फिर से लिखते हैं अच्छे से और यूनिट फाइंड आउट करते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स यूनिट. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन योर नोटबुक्स.
सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू माइनस पी वन मीन्स चेंज इन मोमेंटम सो इट इज एम वी टू माइनस वी वन ऑल्सो देर इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी साइन दिस इज रिलेशनशिप साइन जब आप इसको रिमूव करते हो और इक्वल टू लगाते हो प्रोपोर्शनल है मीन्स नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी लेकिन कोई कॉन्स्टेंट के प्रोपोर्शनल होगी तो इस कॉन्स्टेंट को वैल्यू माना हमने के तो इट विल बी के एम वी टू माइनस वी वन बाई टी सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ओके एफ इक्वल टू के एम अब वट इज के ये के क्या है के इज अ कॉन्स्टेंट ओके तो इस कॉन्स्टेंट को हम कैसे रिमूव करें वी नीड टू पुट इट्स वैल्यू वन कैसे देखिए वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट ऑफ फोर्स सो वी राइट इट वन यूनिट ओके और मास की यूनिट होती है 1 ग्राम और इसकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो इस तरीके से यहां से के की वैल्यू क्या आएगी 1 ओके सो हमने यूनिट फोर्स की यूनिट को 1 यूनिट मानी एंड देन के कम्स आउट टू बी 1 एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स न्यूटन ओके सो व्हेन के इक्वल टू 1 एफ इक्वल टू एम के इक्वल्स 1 ये 1 इसलिए है क्योंकि हमने जो यूनिट फाइंड आउट की है 1 यूनिट ऑफ फोर्स वो अकॉर्डिंग टू के इक्वल टू 1 मान कर की और यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स ओके सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यू कैन राइट इट प्रैक्टिस दिस